और अब बात योगी कैबिनेट की कर लेते हैं। दरअसल योगी कैबिनेट की बैठक में आज 16 प्रस्ताव पास किए गए, इनमें कई बड़े फैसले शामिल हुए हैं। कैबिनेट की बैठक में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए नई पॉलिसी पास किया गया है। इसके अलावा नगर विकास के कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथ ही कुकरैल में नाइट सफारी पार्क को मंजूरी मिली है और कैबिनेट में औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को भी पास किया गया। बुंदेलखंड में निवेश के लिए प्रस्ताव रखा गया और इसके लिए इंटेंसिव का प्रस्ताव पास किया गया है। इसमें अधिकतम लिमिट 500 करोड़ होगी। बुंदेलखंड में इंसेंटिव की योजनाओं को अधिकतम जो समय सीमा इसकी रखी गई है वो 7 वर्ष होगी। वहीं डिफेंस कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का भी फैसला हुआ है। साथ ही इको टूरिज्म बोर्ड का गठन का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है कैबिनेट से। तो ये कुछ अहम प्रस्ताव जो कि आज कैबिनेट के पटल पर रखेंगे और वो प्रस्ताव पास हुए हैं। कुल मिलाकर 16 प्रस्ताव जो बताया जा रहा है कि कैबिनेट से जिनको मंजूरी मिल चुकी है जो पास हो चुके हैं। एक नई नगर पंचायत मानधाता बाजार के गठन का आज प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। उसी प्रकार जौनपुर जिले की नगर पालिका परिषद ऑलरेडी है, नगर पालिका परिषद मुंगेरा भासरापुर, जिसके क्षेत्रफल में हम लोग थोड़ा बढ़ोतरी कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। इस प्रकार इनके साथ अब हमारे कुल नगर निकायों की जो संख्या थी वो 752 हो जाती है। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका है और 536 नगर पंचायत। लखनऊ में कुकरैल वन क्षेत्र, जिसे आप सब लोग वाकिफ होंगे, तो वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ये लगभग लखनऊ के वन क्षेत्र में पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक को मिलाकर 2027 के लगभग हेक्टर क्षेत्र में वन जंगल जो हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए 150 एकड़ क्षेत्र में प्राणी उद्यान और 350 एकड़ क्षेत्र में नाइट सफारी की स्थापना का प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है। इसमें लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो कि लगभग 26 एकड़ में है उसको भी डिस्प्लेस करते हुए इसे बड़े क्षेत्र प्रस्तावित नाइट सफारी में शिफ्ट किया जाना भी इसी में सम्मिलित हो गया। और वही कैबिनेट को इको टूरिज्म बोर्ड को लेकर जो फैसला लिया गया है उनमें पर्यटन सिंचाई समेत 10 विभागों को मिलाकर इको टूरिज्म बोर्ड बनेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 पर्यावरण विशेषज्ञ और सभी अभ्यारण्यों के प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल होंगे। लखनऊ चिड़ियाघर हटाया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि कुकरेल में नाइट सफारी में शिफ्ट होगा। पर्यटन की असीम संभावनाओं की दृष्टि से इको टूरिज्म बोर्ड का गठन बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित था, क्योंकि अंतर विभागीय या कई विभागों को जोड़ के की व्यवस्था होनी थी। काफ़ी चिंतन मनन और कसरत के बाद आज इस विषय पर माननीय मत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का और इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उनके हिसाब से अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बनेगा, रामपुर में अग्निशमन केंद्र बनाया जाएगा, जेल मैनुअल में बदलाव का फैसला, राइफल की जगह 9mm पिस्टल इंसास को मंजूरी मिल चुकी है, जेल में अब रोशनी के लिए नहीं जलेगी लालटेन, महिला बंदी अब मंगल सूत्र पहन सकेंगे और त्योहारों पर खीर और सेवई का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम बंधुओं को त्योहारों पर खजूर और हिंदू बंदियों को गुड़ दिया जाएगा। जेल में बच्चों का टीकाकरण नामकरण संस्कार भी कराया जा सकता है, इस बात को भी मंजूरी मिली है। जेल में बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क तैयार किए जाएंगे ताकि बच्चे खेल सके, बच्चों का विकास हो सके अच्छे तरीके से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।